हाय दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आपका स्वागत है एक नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं, आज का जो टॉपिक है वो एज को लेकर के है। जी हाँ, अगर कोई इंडियन है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, श्रीलंकन है, चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है और वो यूरोप में जाके जॉब करना चाहता है, तो क्या एज क्राइटेरिया होता है? और दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोगों का ये डाउट रहता है, बहुत लोगों मन में असमंजस रहता है कि भाई क्या एज के लोगों को वो रिक्रूट करते हैं, लेते हैं या जॉब मिलता है, तो और किसे अप्लाई करना चाहिए, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, पासपोर्ट का क्या स्टेटस होना चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है, इन तमाम चीजों के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। वीडियो आगे तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर दिन मिलता रहे, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है। दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, हर कंट्री में एक एज का क्राइटेरिया होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्री का और आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका कहीं से भी अप्लाई करते हैं, तो इसमें दोस्तों बहुत सारे पैसा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप या तो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, या फिर आप किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, या फिर आप कोई फ्रेंड का रेफरेंस अप्लाई करते हैं, बट एंड ऑफ द डे आप ही को पूरा भुगतान करना होता है जो खर्चा होता है, क्योंकि वीजा फ्री में आता नहीं है। ठीक है, तो खर्चा करने से पहले दोस्तों अगर आपको पता रहेगा कि एज क्या होना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप अपना पैसा बचा सकते हैं। बात करें एजुकेशन का, बात करें अपना पासपोर्ट का, ठीक है, तो तमाम चीजों पर आपको नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों बात करें पहले पासपोर्ट का। पासपोर्ट चाहे ECR हो चाहे ECNR, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड या इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, दोनों ही हाल में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ECR का प्रॉब्लम होता है ओनली गल्फ कंट्रीज में, यूरोप में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरी बात करें एजुकेशन का, तो दोस्तों एजुकेशन डिपेंड करता है आपका पोजीशन के ऊपर, आप कौन सा पोजीशन में जा रहे हैं, आप स्किल्ड जॉब में जा रहे हैं या अनस्किल्ड में जा रहे हैं या सेमी स्किल्ड में जा रहे हैं। ठीक है, तीन प्रकार के जॉब होते हैं, एक होता है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और एक होता है अनस्किल्ड, तो वो स्किल के हिसाब से दोस्तों आपका जो एजुकेशन है वो रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, लेबर हैं, होटेलियर हैं, कोई आर्टिस्ट हैं या फिर कोई टेक्नीशियंस हैं, तो हर लोगों का अपने हिसाब से एक एजुकेशन फिक्स होता है, जो आप जब इंटरव्यूज देते हैं या जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसी समय आपको बता दिया जाता है कि भाई आपके पास ये एजुकेशन पर्टिकुलर होना चाहिए, तभी जाके आप ये जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन एज का क्राइटेरिया की जब बात करें हम, तो किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, कौन लोग जाना चाहिए दोस्तों, तो मैं मेरा मैक्सिमम मेरे वीडियोस में बताता हूं भाई कि अगर आपका एज 45 ईयर के ऊपर है तो प्लीज आप अप्लाई ना करें। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई 45 के ऊपर हो गया तो जॉब अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूं, वो मेरे पास इसलिए बोलता हूं कि मैं लोगों को हेल्प करता हूं जॉब लेने में, मैं कोई वीजा कंपनी नहीं है मेरा, ठीक है, ना कोई मेरा एजेंसी है, आई एम ए करियर प्लानर, मैं लोगों को हेल्प करता हूं जॉब लेने में, ताकि उनको प्रॉपरली वीजा मिल पाए, प्रॉपरली जॉब मिल पाए। ठीक है, और वो सर्विस मैं लेके देता हूं कि भाई जितना मेरे पास जो भी कॉन्टैक्ट है, जो भी है, उस कॉन्टैक्ट को मैं यूज करके लोगों को हेल्प करता हूं। ठीक है जी, तो इसमें मैं इसलिए बोलता हूं कि भाई 45 साल के जो ऊपर के लोग हैं अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा रूल कहीं भी नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका एज 45 के ऊपर भी है। कुछ कंपनियां जो हैं जो बोलते हैं कि भाई मुझे 30 प्लस के बंदे नहीं चाहिए, ठीक है, वो इसलिए कहते हैं कि उनका जो रिक्वायरमेंट है उनको यंग डायनेमिक लड़के चाहिए। ठीक है, जो उनके जो कंपनी है उस हिसाब से डिपेंड करता है, तो हर कंपनी में कंपनी के हिसाब से एक एज क्राइटेरिया रहता है दोस्त, और ये आपको सिर्फ जानने के लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि भाई कौन सा ईयर के लोग, यानी कौन सा एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हर जॉब्स का अलग अलग एक एज क्राइटेरिया होता है, वैसे कहीं भी कोई भी
एज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हालांकि आपका जो रिटायरमेंट है, अब जानते हैं इंडिया में जैसे 65 या 70 या 60 जो भी है, ठीक है, उसी तरह हर कंट्री का एक रिटायरमेंट एज भी रहता है। और मैं पर्सनली इसलिए सजेस्ट नहीं करता क्योंकि यूरोपियन कंट्री जो है दोस्तों बहुत कोल्ड कंट्रीज होते हैं। मैक्सिमम इंडिया कंपेयर करें, बांग्लादेश से कंपेयर करें, आपका पाकिस्तान कंपेयर करें, श्रीलंका कंपेयर करें, तो इस कंट्री के हिसाब से यूरोपियन कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। और ठंडी अगर हम बात करें 45 साल के ऊपर तो शायद बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो कम धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, अगर आप अचानक इंडिया से जाते हैं तो इंडिया का जो टेम्परेचर अलग है और यूरोपियन कंट्री का टेम्परेचर अलग है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिस रीजन से मैं कहता हूं कि भाई 45 प्लस के ऊपर लोग नहीं जाना चाहिए। और कहीं कहीं कंपनीज भी मना कर देती हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भाई वहां यहां पर आकर सर्वाइव करेंगे नहीं कर पाएंगे, आके काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 महीना जो है बर्फबारी होता है। ठीक है, और जब कड़ाके की ठंड होगी तो कड़ाके की ठंड में काम भी करना है ना। ओके, तो यही सब सोच के मैं कहता हूं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई इतना एज के लोग वहां पर काम नहीं कर सकते और इतना पर्टिकुलर एज लोग काम कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपके कोई नियरेस्ट एजेंसीज हैं जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो कहते हैं कि नहीं आप हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आके काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, टेक्निकल फील्ड में है और उस टेक्निकल फील्ड के लोगों को उनका रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कितना भी लेकर चले जाएंगे क्योंकि उनको टेक्निकल लोग चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन अगर जहां पर मेहनत जरूरत पड़ता है ज्यादा, मतलब शारीरिक जो कहते हैं ना, ज्यादा मेहनत जरूरत है, वहां पर तो यंग लड़के चाहिए ना जो जाके मेहनत कर सके अच्छा और कंपनी को मुनाफा दे सके। क्योंकि अगर कोई कंपनी हायर करती क्यों करती भैया, वो इसलिए करती कि भाई इनके द्वारा जो भी एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनके द्वारा कंपनी को प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अगर यंग डायनामिक लेके जाएंगे तो डेफिनेटली कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो इस लिहाज से मैं ये सारी चीज कहता हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, वो आप जब अप्लाई करते हैं दोस्तों उसी टाइम आपका एम्प्लॉयर को आपको पूछ लेना चाहिए। आशा करता हूं आपके मन में कोई दुविधा होगा एज को लेकर के, पासपोर्ट को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, तो शायद इस वीडियो के माध्यम से आज क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पेज पे और डीएम करें, मैं कोशिश करूंगा आपका हर सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने का। दूसरी बात, आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं हर दिन नए नए वैकेंसीज जो है, जो मेरे पास आते हैं वैकेंसीज, मैं इंस्टाग्राम में अपलोड कर देता हूं ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके जॉब सर्च करने में। तो देर किस बात की, फॉलो करें और डीएम करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।